बचपन में दर्द मिला बोल और सुन नहीं पाने का। इसके बावजूद कभी इस शख्स ने हार न मानते हुए 11वीं तक पढ़ाई की। हिंदी और अंग्रेजी दोनों आसानी से पढ़ लेता है। शादी हुई तो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए फास्ट फूड का काम शुरू किया। अब कारोबार को बढ़ाना चाहता था जिसके लिए रुपए की जरूरत थी। उसके पास लोन का एक मैसेज आया, साथ में नंबर भी था। सुन और बोल न पाने के चलते व्हाट्सएप पर चैटिंग की, लेकिन इसे क्या मालूम था कि जिससे चैटिंग हो रही है वो ठग लोग हैं। ठगों ने बड़ी चालाकी से चैटिंग कर 3 लाख का लोन दिलाने का झांसा देकर उससे 1.83 लाख रुपए ठग लिए। इस शख्स की जिंदगी भर की कमाई महज 12 दिन में ठगों ने झटक ली। नहीं, इनसे ऑनलाइन चैटिंग हुई थी तो उसी पे इनको मतलब बिजनेस के लिए लोन लेना था, फूड वैन के लिए। फास्ट फूड का इनका दुकान है रामस्वरूप चौक पे, उसी के लिए इनका फूड वैन के लिए लेना था लोन। 3 लाख का लोन करवा रहे थे, किसी को घर में बताया नहीं, अकेले सारा किए। तो इनको मतलब वहाँ से बोला गया लोन के लिए, तो इनसे अलग अलग तरह का चार्ज करके ना पैसा करीब 1,83,000 रुपया ले लिया गया। बार बार करके अकाउंट नंबर भी सारा भेजा व्हाट्सएप पे, सारा इन्होंने फ़ोनपे किया है, और वही इनका लोन तो हुआ नहीं। पुलिस को शिकायत दी? हाँ, पुलिस को शिकायत दी है, पुरानी औद्योगिक जो है ना ओल्ड इंडस्ट्री थाने में दी है, FIR हो गई है। कितने पैसे दिए, कितनी बार करके दिए? करीबन 10-12 बार में दिया होगा। 10-12 बार? हाँ, 10-12 बार। कितने रुपए? पहले तो 2500 रुपये गए, फिर 8600 गए, फिर उसके बाद बढ़ते गए वैसे ही। लास्ट इनका है दिया हुआ 24,600। अभी भी आज भी सुबह का मैसेज है, उनका चैट है, 9500 रुपये आज भी मांग रहा है। कितना टोटल कितना गया? टोटल 1,83,400 कुछ है। पता नहीं चला कौन लोग हैं ये? ना सर, सारा मुंबई से ऑनलाइन। ये पूरा घटना गंगाराम कॉलोनी के 30 वर्षीय राजीव कुमार के साथ हुई। 1,83,000 रुपए वसूलने के बावजूद लोन के 3 लाख रुपए नहीं मिले। अब ठग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चार्ज के नाम पर 9500 रुपए मांग रहे थे। शक होने पर राजीव ने रुपए जमा नहीं कराए तो ठग लोन पास नहीं होने की धमकी देने लगे। पूरे मामले की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।